ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, तहसीलदार जगदीश शर्मा तथा सभी अधिकारियों के साथ व भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आगामी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके स्वागत की भी कार्यप्रणाली, सारी रणनीति तैयार की गई। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, तहसीलदार जगदीश शर्मा, सभी अधिकारियों के साथ व भाजपा मंडल के पदाधिकारी के साथ विश्राम गृह में एक अहम बैठक की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 18 फरवरी को ज्वालामुखी विधानसभा में भाजपा मंडल के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर 18 फरवरी को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे करोड़ों रूपए के शिलान्यास व उद्घाटन। इसके अलावा मुख्यमंत्री कथोक व खुंडिया में जनसभा भी संबोधित करेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। 18 फरवरी को सीएम सुबह 10:30 बजे सपड़ी में कार के माध्यम से खुंडिया के लिए रवाना होंगे और यहां पहुंचने के बाद कॉलेज के भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही लंगड़ू में स्थित सरकारी स्कूल के साइंस ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। एसडीएम ने बताया कि उद्घाटन के साथ ही खुंडिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम ज्वालामुखी में कथोक व अन्य जगहों पर भवन के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर ज्वालाजी भाजपा मंडल द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं सीएम के स्वागत के लिए यहां विशेष व्यवस्था की गई है। ज्वालामुखी के बाद शीतकालीन प्रवास के दूसरे चरण में सीएम जयराम ठाकुर का ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा तय हो गया है। इस दौरान वे करोड़ों रूपए की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। खुंडिया कथोक व डलियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं हरिपुर तहसील व पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन का भी शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर डलियारा से करेंगे। देहरा में पुलिस क्वार्टर भवन का लोकार्पण करने के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। शाम करीब 4 बजे सपड़ी हेलीपैड से शिमला के लिए रवाना होंगे। स्कीम के क्या प्रोग्राम है? मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय 18 तारीख को सुबह ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसमें कुंडिया, कथोक, भदोली, क्वारा, ज्वालाजी प्रॉपर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा खुंडिया में और कथोक में एक जनसभा है, पब्लिक रैली है, उसको भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।